मसूरी में लेखक आलोक और मानस लाल की किताब ऑन द ट्रेल ऑफ ठग्स एंड थीप्स का जो है लोकार्पण किया गया और अंग्रेजी लेखक गणेश सैली और लेखक स्टीफन ऑल्टर ने पुस्तक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और लेखक आलोक लाल ने किताब के बारे में जानकारी दी। किताब में यूपी और उत्तराखंड ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियां हैं जो कि गांव में हुई चोरियों और उनका खुलासा करने में पुलिस की भूमिका पर आधारित है। इस किताब को लिखने की वजह यह है कि मेरा एक बहुत लंबा अनुभव है पुलिस विभाग में काम करने का, और पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें दिन प्रतिदिन आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको कि आप बहुत दिलचस्प कह सकते हैं, ये ऐसे होते हैं जिनको आप कभी मिलना नहीं चाहेंगे, ऐसे भी होते हैं। कहानियाँ बहुत सारी पुलिस वालों के पास होती हैं, इसलिए अगर मौका मिले तो वो दूसरों तक पहुँचानी चाहिए, इसलिए ये किताब लिखी है। मैं ऑन द ट्रेल ऑफ थग्स एंड थीव्स, और ये किताब 8 कहानियाँ हैं इस किताब में जो कि यूपी और उत्तराखंड के इलाकों के बारे में, गाँवों के बारे में। और कहानियाँ लगती तो शुरू में कि छोटी सी कहानी है किसी चोरी के बारे में, लेकिन बाद में बड़ी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में आर्ट थेफ्ट है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट स्टील हो गए, ऐसा भी है। आलोक लाल और मानस लाल की जो किताब है ऑन द ट्रेल ऑफ थग्स एंड थीव्स, बड़ी रोमांचक कहानियाँ हैं इसमें, और पुलिस की कहानियाँ हैं, डाकू की कहानियाँ हैं, चोर सिपाही की कहानियाँ हैं इसमें। मगर इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि जितने भी कहानियाँ हैं वो एक रास्ते से शुरू होते हैं मगर दूसरे रास्ते से वो ख़त्म होते हैं।